हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोग व्यस्त हों, मस्त हों और सबसे जरूरी स्वस्थ हों। और आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथी टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से स्वागत है। आप ही का चैनल है, आपका स्वागत है। और आज देखते हैं कि माँ क्या हमारे लिए आशीर्वाद लाती हैं, हमारे लिए क्या संदेश है, मैसेज है। और मैं आपसे थोड़ी सी एक और बात करना चाहती हूँ। मेरा एक और आध्यात्मिक चैनल है, स्पिरिचुअल चैनल है, सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा। और हो सके तो आप मेरे उस चैनल को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तो उसमें हम अध्यात्म की ही चर्चा करते हैं। और अब काट लेती हूँ। कार्ड मेरे सामने आ गए हैं। आप वहाँ कितने दिख रहे हैं मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन देखिए देखिए बहुत एक बड़ी विचित्र बात कि सबसे ऊपर कार्ड आया है रिकवरी, और रिकवरी के बाद सेकंड लाइन में, सेकंड रो में कार्ड आया डिस्कवरी। तो देखिए आप, क्योंकि जो रिकवरी की बात आ रही है, और रिकवरी के ये रिकवरी और ये डिस्कवरी, अब ये कार्ड क्या कह रहे हैं, वो कार्ड ये कह रहे हैं कि आप पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे, बीमार चल रहे थे, और एक कोई लेडी आपकी सेवा कर रही थी। ये देखिए पहला कार्ड जो है वो यही बता रहा है। तो उसकी निष्काम सेवा से, निष्काम, उसकी निष्काम सेवा से आपकी जो रिकवरी है वो बहुत स्पीडली हुई है, बट स्पीडी आपकी रिकवरी हुई है उसकी निष्काम सेवा से, क्योंकि वो भी बड़े प्रसन्न मन से और सच्चे मन से आपकी सेवा कर रही थी, और आप बीमार थे, और आपको जो उसका एक अपनापन था, उसका एक स्नेह, उसका एक प्यार, एक उसका प्यार भरा स्पर्श उस बच्ची का जो आपको हो रहा था, उसने आपको बहुत जल्द खड़ा कर दिया। तो इसके बाद जो डॉक्टर्स ने आपको दवाइयाँ वगैरह दी, जो आपकी ट्रीटमेंट हुई, वो जो चाबी ताले को लगी, मतलब आपके शरीर को वो जो दवाई लगी, मतलब ये जो रिकवरी का फोटो है वो चाबी दिखा रहा है, तो मैं इस वजह से बोली हूँ क्योंकि वो जो दवाइयाँ जो थी, आप अंदर से प्रसन्न थे, आप वो आपको प्रसन्नचित रख रही थी, सच्चे मन से आपकी सेवा कर रही थी, तो उसका एडमिट रिजल्ट क्या हो रहा था कि जो आप दवाई खा रहे थे वो दवाई आपको बहुत जल्द रिकवर कर रही थी अंदर जाके। देखिए जब हम मन से प्रसन्न होते हैं ना, तो हर चीज़ हमारे तन को लगती है, तन को लगती है। तो वो उस बच्ची ने आपकी जो निष्काम सेवा की है, वो सेवा का असर ये हुआ, सच्चा मन उसका भी था, वो भी दिल से प्रार्थना कर रही थी कि आप जल्द ठीक हो जाएं, और आप भी चाह रही थी कि मैं जल्द ठीक हो जाऊं और मैं अपने आप को संभाल लूं, अपना काम सब संभाल लूं। तो जब दोनों की एक ही प्रार्थना थी, एक ही दोनों की वाइब्स थी, एक ही जैसे आपकी वाइब्रेशंस थी, तो उन्होंने काम किया, उन्होंने चमत्कार दिखाया, उन्होंने मिरेकल दिखाया, और आपकी रिकवरी बहुत जल्द हो गई। और रिकवरी जब हुई, आप बीमार थे,
बुद्धि आपकी बीमार नहीं थी, दिमाग बीमार नहीं था, शरीर बीमार था आपका, और आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ रहे थे कि इस बच्ची की भावनाएं मेरे प्रति क्या है। आप उस बच्चे की भावनाओं को समझते हुए आपने उसकी उस बिल्कुल परफेक्ट सेवा को, जो उसकी सेवा में उसकी सर्विस में परफेक्शन थी, उसका आपने अपनी अंतर आत्मा से आपने स्वीकार किया और अपनी बुद्धि से उसकी परफेक्शन की, उसकी सिद्ध हस्त सेवा की, आप आजीवन आभारी हो गई, आजीवन आप आभारी हो गई। आपने ये मान लिया कि इस बच्ची ने तो आपका मन नहीं जीता, आपकी आत्मा जीत ली, आपने उस बच्ची को अपना बना लिया, हमेशा के लिए उसे एक्सेप्ट कर लिया, अपना बना लिया है, एक्सेप्टेंस दे दी अपनी, तो उससे क्या हुआ? आगे मामला आ रहा है डिस्कवरी का, डिस्कवरी का। तो आपने एक बच्चे का जीवन बना दिया, उस बच्ची का कोई नहीं था इस दुनिया में, अकेली थी वो, लेकिन हॉस्पिटल में आपकी बहुत सेवा करी उसने। जो ये आज कार्ड आए हैं ना, ये किसी का क्वेश्चन नहीं आया हुआ था मुझे, आज ये रीडिंग में ही ये बात आ रही है। तो इट मीन्स कि कोई ना कोई ऐसा जरूर है जिसको आज का मैसेज जाएगा। मैं नहीं जानती कि आज का मैसेज किसके लिए हो सकता है, ये तो आप कोई सुनेगा उसके साथ। मेरी पूरी रीडिंग अगर किसी एक व्यक्ति के को भी लाभ देती है तो मैं समझती हूँ कि परमात्मा ने मेरी आशीर्वाद दे दी, परमात्मा ने मुझे अपना बच्चा माना और मुझे आशीर्वाद दिया। माँ बैठी है, मैं माँ के चरणों में बैठ के ही रीडिंग करती हूँ। तो आपने अब उस बच्ची को जब अपना लिया, अपना बना लिया और अपने घर भी ले आई, तो आपने अब उसका जीवन संवारने के लिए जो वो बनना चाहती है, जो वो करना चाहती है, आपने उसको पूरी सहायता दी। तो जो उसका रुझान था, जो उसकी इच्छा थी बनने की, आपने उसमें उसकी सहायता की। तो वो जिस चीज़ की भी खोज करना चाहती थी, वो जैसा भी जीवन जीना चाहती थी, आपने उसके लिए उसको मार्गदर्शन दिया, उसको खोज करने का मौका दिया, उसको अपने आगे स्टडी जारी रखने का मौका दिया, वो स्टडी में जो भी डिस्कवरी करना चाहती थी उसका आपने उसको पूरी व्यवस्था करके दी और सारी सुख सुविधाएं प्रदान की जो उसमें चाहिए थी। तो ऐसे करते करते मालूम है क्या हुआ, जाने अनजाने आप अपने एक सोलमेट से मिल गई थी, या यूं कहूं कि उस बच्ची को अपनी कोई सोलमेट मिल गई थी। और ये जो सोलमेट आपस में मिलते हैं ना, ये परमात्मा ही मिलाते हैं, हमारी आत्मा ही एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींची चली जाती है। इतनी बड़ी दुनिया में कितने लोग हमको अच्छे लगते हैं, जिनके साथ हम बिल्कुल खुल के बात करते हैं, जो चाहे कितना भी एज डिफरेंस हो या कुछ भी हो, तो उस एज डिफरेंस को और उस सब को हम लोग नहीं मानते। अगर हम सोलमेट होते हैं तो हम एज गैप को भी नहीं मानते, मित्रवत व्यवहार करते हैं, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं ग्राउंड में, खेलते हैं बचपन में, वैसे हम आपस में बातें करते हैं। कितना भी एज का गैप हो, 20 साल का गैप हो, 25 साल का गैप हो, 30 साल का गैप हो एज में, वो मायने फिर नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो एजलेस है, आत्मा की तो कोई आयु ही नहीं है, सोल तो एजलेस है, सनातन पुरातन है और निरंतर है। आत्मा का सफर तो कभी रुकता ही नहीं है, सफर हमारे शरीर का रुकता है, सफर हमारे शरीर को ब्रेक लगती है। क्यों? क्योंकि ये मशीनरी है, हमारा शरीर एक मशीन है, मशीन की तो एक आयु होती है,
उसकी तो एक्सपायरी डेट होती है, तो बस हमारा शरीर एक्सपायर हो जाता है। तो कहते हैं ना वो एक्सपायर कर गए, क्योंकि उनकी अब दवाइयों के ऊपर भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। ऐसे ही जब भगवान हमको इस धरती पे भेजते हैं तो हमारे ऊपर भी एक्सपायरी डेट होती है, एक्सपायरी डेट हमारी भी होती है, तभी तो कहते हैं एक्सपायर कर गया। क्योंकि भगवान जब हमको इस धरती पे भेजते हैं कि जाओ मौज करो खेलो, तो जब हम इस धरती में खेलने के लिए आते हैं हमारा डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, जब हमारे मदर कंसीव करते हैं वो हमारी डेट होती है, और जब हम इस दुनिया से जाते हैं वो हमारी एक्सपायरी डेट होती है। तो जब एक्सपायरी डेट हमारी भी लिखी हुई है, जैसे दवाई के पत्ते पे लिखी होती है ऐसे हमारे पे लिखी हुई है ना, मज़ेदार बात। तो आप दोनों सोलमेट थे जो इस परिस्थिति में मिले, और ऐसे मिले कि अब एक हो गए, आपने उसे बेटी मान लिया, आप उसकी मदर हो गई, गुरु हो गई, जो भी आपने अपना रिश्ता बनाया वो आपस में, तो आपका और उनका आत्मिक रिश्ता हो गया। आत्मिक रिश्ते को हम सोलमेट ही कहते हैं इंग्लिश में, क्योंकि लोगों को आजकल आत्मिक रिश्ता नहीं समझ आता, सोलमेट ही समझ में आता है। वैसे इंग्लिश आती हो ना आती हो, लेकिन सोलमेट जरूर समझ में आ जाता है। क्योंकि आप जो हैं, बच्ची की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया है, अपनी बेटी माना है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। आपकी जो है इंट्यूशन बहुत तेज है, आप इंट्यूटिवली होने वाली घटना को होने से बहुत पहले ही पहचान जाती हैं, सूंघ लेती हैं, समझ लेती हैं, आभास हो जाता है आपको, और जो आपको इंट्यूशन कहती है आपने अपने बचपन से और अब तक की एज में देखा कि जो आपकी इंट्यूशन कहती है वही बात सत्य होती है, वही बात सत्य होती है। और आप इसलिए अपनी इंट्यूशन को और बढ़ाइए, आप अपनी इंट्यूशन को और बढ़ाने का प्रयास करिए, अपनी इंट्यूशन को और बढ़ाने का प्रयास करिए। क्योंकि जितना आप इंट्यूशन को बढ़ाना चाहेंगे वो और दूर तक जाएगी, और ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। क्योंकि हम भी तो इस यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पुर्जा है। पार्ट क्या होता है, हम ब्रह्मांड का ही तो एक हिस्सा है, हम उस परम पिता परमात्मा का ही तो अंश हैं, हम भी तो नेचर हैं, हम भी तो नेचुरल हैं, हम भी तो उस यूनिवर्स का ही हिस्सा हैं। तो फिर हम कैसे यूनिवर्स की भाषा को नहीं समझेंगे, समझेंगे। बस अपने आप को मार्जन करना होता है, मार्जन करना होता है। जैसे आप लोग सुबह उठते हो तो कहते हो ना कि घर का मार्जन कर लो, मतलब झाड़ू लगा लो, साफ सफाई कर लो, तो मार्जन करना है आप करिए, और आपकी ये वाली जो क्वालिटी है इंट्यूशन वाली, ये और निखर कर आएगी, और निखर कर आएगी। ग्रोथ का कार्ड आ रहा है, आपकी निश्चित रूप से ग्रोथ होगी। अब ग्रोथ इसमें दोनों की है, उस बच्ची की भी जो वो प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, या वो जो एजुकेशन ले रही है, या वो जो कुछ भी डिस्कवर कर रही है, जो भी वो कर रही है उसमें भी उसकी ग्रोथ है। और आप भी अपने ये जो इंट्यूशन है, या आप जो भी अध्यात्म में आप जो भी प्रैक्टिस करते हैं उसको ज़रूर करें। और डिस्कवरी के नीचे क्रिएशन आया है, वो बच्ची जरूर कुछ ऐसा क्रिएट करेगी, ऐसी क्रिएशन करेगी जो बहुत लोगों को लाभ देगी, बहुत लोगों को लाभ देने वाली है। और आप दोनों दिल से प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, दिल से उनको कह रहे हैं कि आपने बहुत हमारा साथ दिया और हमें एक कर दिया, और आप एक दूसरे के पूरक हैं, आप एक दूसरे के पूरक हैं, ब्रद एक दूसरे की जरूरत नहीं है, पूरक है। अब पूरक को मैं नहीं समझा पाऊंगी कि उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इसी में आपका कंप्लीशन है दोनों के जीवन का। और आप दोनों एक दूसरे के प्रति इम्पार्शल हैं, कोई किसी का फेवर नहीं करता है, जो सत्य है सो सत्य है। और मैं फिर कहूंगी कि जितनी आपके साथ ये रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा, और
मेरे मैत्री टैरो रीडिंग चैनल को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरा दूसरा चैनल सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा इस नाम से है, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम नारायण हरि।